सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आप इंस्टाग्राम पर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है उसको आप जो है पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे आपको बताऊं वैसे जो है आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है पर्सनल अकाउंट में कैसे कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। तो यहाँ पर जो है आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम, आपको आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिए। ओके गाइस, तो आपको ओके करोगे और आपको उसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी है, कुछ ही सेटिंग करनी है और आपका जो है प्रोफेशनल अकाउंट से जो है आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ओके, या फिर आपको अपना पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में करना है तो वो कैसे कर पाओ, उसके लिए भी एक ही सेटिंग आपको करनी है। ओके, इसमें आपको लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर जो है आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है गाइस, यहाँ पर जो है आपको अपनी प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में प्रोफाइल मिलती है। ओके, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग पर जाइए और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको नीचे की साइड में अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप देख लीजिए आपके फ़ोन में अकाउंट का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ से जो है आपको नीचे आ जाना है। ओके, और नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट टाइप मिलेगा। ओके, तो आप जो है आप अपना यहाँ से जो है अकाउंट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसके ऊपर जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ओके, तो आप अपना अकाउंट बिजनेस में करना चाहते हैं या फिर आप अपना पर्सनल करना चाहते हैं। पर्सनल करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे की साइड में पर्सनल मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट जो है पर्सनल हो जाएगा। ओके, और आपको आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपके पास यहाँ पर प्रोफेशनल का ऑप्शन आएगा तो प्रोफेशनल कर सकते हैं। और आप अपना अकाउंट बिजनेस अकाउंट में करना चाहते हैं तो बिजनेस अकाउंट में यहाँ पर आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। ओके, तो इसमें जो है आपको कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी है। और जब बिजनेस अकाउंट में आप कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद जो है आपको इसी में ही ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएटर का ऑप्शन। ओके, तो क्रिएटर में आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जो है आप अपना अकाउंट को जो है क्रिएटर अकाउंट में कर पाओगे। ओके, इसमें आपको कुछ ज़्यादा इसमें सेटिंग नहीं करनी थी, बस इतनी सी सेटिंग करनी है। इतनी सेटिंग करने के बाद जो है आपका गाइस जो भी अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट था अब वो जो है आपका अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, यानी कि अब आपका अकाउंट पर्सनल हो गया। आप अपना आईडी किसी को दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं वो अब जो है आप अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। ओके, जैसे कि आप अपनी फोटो, रील्स, स्टेटस, जो भी आप अपनी जिसे दिखाना चाहते हो उसे दिखा सकते हो, जिसे नहीं दिखाना चाहते उसे नहीं दिखा सकते। पर्सनल अकाउंट में ये होता है जैसे कि आपको आप जब तक किसी को फॉलो नहीं करोगे यानी कि आप उसको फॉलो बैक नहीं दोगे तब तक जो है वो बंदा आपके फोटो स्टेटस नहीं देख पाएगा। ओके, और प्रोफेशनल अकाउंट में क्या होता है कि आपका अकाउंट सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी जैसे कि आपको फॉलो करेगा तो आपके फोटो स्टेटस एकदम से उसको दिख जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी आपको असलम क्रिएटर चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।